अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट रियल इन्फो विद फिजा सिद्दीकी। नाज़रीन, जैसे कि हम सबको पता है कि रिहाइश के लिए बहरिया ने हमें लग्जीरियस लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया है, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बहरिया के क्या प्लान्स हैं, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। और ये जानने के लिए हमने आज अपनी स्टूडियो में इन्वाइट किया है हमारे रियल स्टेट एक्सपर्ट मिस्टर रामिस अहमद को। अस्सलाम वालेकुम रामिस। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रामिस, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि हमारे व्यूवर्स का भी यही कहना है और लोग भी यही कहते हैं कि बहरिया में जो है अभी इतनी आबादी नहीं हुई है, तो कैसे जो है वो शॉप्स में इन्वेस्ट करके वो किस तरह कारोबार करेंगे, तो फिर आपकी इस बात से क्या आपकी क्या राय है? देखिए वैसा बात बहुत अच्छी की है, ऐसा ही बहुत लोगों की जानिब से हमें सुनने को मिलता है। पॉइंट ये है कि दो तीन बातें हैं असल में। आप बहरिया टाउन कराची को आज देख रहे हैं, आज से अगर मैं पिछले 7 साल पहले चला जाता हूँ जब बहरिया टाउन लॉन्च हुआ था, कोई नहीं रहता था वहाँ पर। आज उसने स्टेट ऑफ द आर्ट हमें काम करके दिखाया है और वहाँ का लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो उसको पसंद करते हैं और वहाँ पर जाके रहना चाहते हैं। अब मैं ज़रा प्राइस कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। कराची की खुद अपनी अच्छी खासी करोड़ों में आबादी है, उसके बाद सिंध में अच्छी खासी आबादी है, लाहौर, पंजाब, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में अच्छे खासे लोग, ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो कि बहरिया टाउन कराची में रहना चाहते हैं, वो उस लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं जो कि इस मुल्क से बाहर लोग एंजॉय करते हैं। तो उसके लिए लोग जो हैं वो बहरिया टाउन की तरफ आते हैं। इस वजह से भी बहरिया टाउन के रेट्स बहुत अच्छे हैं, इस वजह से बहुत मैच्योर रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा रेट्स हैं। और उनकी वजह भी यही है कि लोगों की डिमांड ज़्यादा है, लोग आके रहना चाहते हैं, लोग आके वहाँ पर कारोबार करना चाहते हैं। अब लोग अभी अगर मैं लोगों की बात करूँ तो तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोग बहरिया टाउन कराची में रह रहे हैं, सही है। वहाँ की वर्कर्स से लेकर जितने भी लोग हैं रिहाइश पजीर हैं वो तमाम रह रहे हैं। फिर इसके साथ साथ वो बहरिया टाउन उनको क्या अपनी शॉपिंग गैलरीज छोटी छोटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इम्तियाज़ की सूरत में उसने जो है वो एक अपने कारोबार के लिए जो है लोगों को, ताकि लोग खरीदो फरोख कर सके, उसने इम्तियाज़ सुपर मार्केट दी हुई है। मगर आज से आइंदा आने वाले कुछ सालों में बहरिया का खुद एक मेगा प्लान है। बहरिया खुद उन चीज़ों को जो है लुक आफ्टर करना चाहता है। उसने बहुत अच्छी कैपेसिटी में जो है वो हमें हेरिटेज क्लब कमर्शियल, मिडवे कमर्शियल, लिबर्टी कमर्शियल प्रोवाइड किए हैं, जहाँ पर कारोबार बहुत खुल कर किया जा सकता है। ऑफिसेज हमारे पास मौजूद हैं जिना एवेन्यू पर, अभी जो है हमारे पास प्रॉपर जो है वो ऑफिस वगैरह मौजूद हैं, जहाँ पर आप रेडी टू मूव अपना कोई भी बिज़नेस है आप उसको मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए बहरिया ने कुछ सोच रखा है और वो बहरिया उस हवाले से जो है अपना काम किया हुआ है। अच्छी खासी आबादी है, अच्छे खासे प्रीसेंट्स हैं जहाँ पे बहरिया को आबाद होना बाकी है। लोग कहते हैं कि ये तकरीबन 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे आबाद होने में, बिल्कुल ठीक कहते हैं। वजह ये है कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जो कैपेसिटी में लोगों को मूव होने में टाइम लगेगा ऑब्वियसली, और उनको जो है वहाँ पर डेवलपमेंट होने में टाइम लगा है। और मगर उसने बहरिया टाउन कराची ने बहुत अच्छे तरीके से हमें 7 सालों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि उसने बहुत अच्छे तरीके से हमें चीज़ें डिलीवर की हैं। तो इन कमिंग फ्यूचर जब लोग आके मज़ीद रहना शुरू करेंगे, जब लोग आके फुली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, तो बहरिया में कारोबार का जितना अच्छा मौका है वो शायद आपको, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वजह ये भी है ना, क्योंकि वहाँ पे जब आके लोग रह रहे हैं तो वो कारोबार के लिए अपनी किसी भी चीज़ की नीड को फुल करने के लिए वो कराची नहीं आएंगे या हैदराबाद नहीं जाएंगे, वो कराची बहरिया में रहते हुए अपनी नीड को फुल करना चाहेंगे। अगर आप वो कैपेसिटी को बहरिया अगर फुल कर देगा तो वो आपको बहुत अच्छा से उसके रिस्पॉन्स मिलेगा। बहुत अच्छे बिजनेस आ रहे हैं, बहुत अच्छे ब्रांड्स शिफ्ट हो रहे हैं। इंस्टॉलमेंट पर कुछ प्रोजेक्ट्स बहरिया टाउन कराची में चल रहे हैं जिसमें बहुत अच्छे ब्रांड्स ने अपनी बुकिंग कराई हुई है। तो बहरिया के हवाले से ब्रांड्स ने भी अपनी फोरकास्टिंग की हुई है और इस हवाले से हमें बहुत पॉजिटिव साइंस देखने को मिलते हैं कि हाँ बहरिया में अच्छा काम होगा। अच्छा रामिस, ठीक है, आपने हमें बताया कि बहरिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कारोबार शुरू करने के लिए, लेकिन बहरिया में जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट क्या प्लान्स हैं बहरिया में? देखिए, इन्वेस्टमेंट जाहिर सी बात है 2-3 तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी होती है। लोग बाज़ औक़ात प्लॉट्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं और उसको पार्क कर देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, और फिर चाहते हैं कि 2-3 सालों में जब अच्छी डेवलपमेंट वगैरह हो जाए, उसकी कीमतें जो है वो मैच्योर हो जाएँ, तो वहाँ से निकल जाएँ। बहरिया में मगर इससे मुख्तलिफ है। बहरिया अपनी डेवलपमेंट क्योंकि बहुत तेज़ करता है, तो बहरिया में रेट्स बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो है चीज़ें डिलीवर होती हैं। शॉप्स और कारोबार की हैसियत से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे पास ऐसे मौजूद है कि
कुछ प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं लॉन्चिंग के ऊपर, प्री लॉन्चिंग के ऊपर। अबुल कासिम बाज़ार है जो कि सितंबर में बिल्कुल लॉन्च हुआ है, और इससे पहले अबुल कासिम सुपर मार्केट था, दिसंबर में वो लॉन्च हुआ था, डिगिंग हुई थी उसकी। और ये है कि वहाँ पर बहुत अच्छी हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिली। हमारे अपने क्लाइंट्स, अपने बायर्स जो हैं, उन्होंने प्री लॉन्चिंग में चीज़ों को बुक किया, और जैसे ही उसकी कीमतें, जब वो अब जो है वो अपर ग्राउंड तैयार हो चुका है सुपर मार्केट का, इम्तियाज़ सुपर मार्केट के बिल्कुल सामने जो है ये एक बिल्डिंग बनने जा रही है, एक कमर्शियल बिल्डिंग बनने जा रही है, जहाँ पर बहुत अच्छा तेज़ी से हमें काम दिख रहा है। तेज़ी से जहाँ बिल्डर काम कर रहा है, जहाँ पर तेज़ी से बिल्डर चीज़ें डिलीवर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके रेट्स रिवाइज होंगे। उस चीज़ को जो कि बिल्कुल प्री लॉन्च में 16,000 पर स्क्वायर फुट रेट से लॉन्च हुई थी, आज वो तकरीबन 20 से 25,000 पर स्क्वायर फुट रेट्स पर खड़ी हुई है। आपको अच्छा खासा 8-10,000 पर स्क्वायर फिट मार्जिन मिला हुआ है आप अपनी चीज़ को जो है रीसेल करने का, अच्छा ओन मिला हुआ है लोगों को। तो चीज़ तैयार होने से पहले, सही है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, अभी चीज़ तैयार भी नहीं हुई है मगर आपके रेट्स रिवाइज हो चुके हैं। जाहिर सी बात है जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था तब उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था, कुछ भी नहीं थी, ज़मीन थी, और उन्होंने उस अपना ज़्यादा रिस्क लिया और ज़्यादा रिस्क पे इन्वेस्ट कर दिया। अब जाहिर सी बात है जो ज़्यादा रिस्क पे इन्वेस्ट करता है वो ज़्यादा रिटर्न हासिल करता है। इसी वजह से बहरिया टाउन कराची ने में ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं जिन्होंने डिलीवर हो रहे हैं, और डिलीवर होने के साथ साथ अपने रेट्स रिवाइज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। आप प्री लॉन्च पर चीज़ों को बुक करें, लॉन्चिंग पे या लॉन्चिंग के 4-5 महीने बाद, इंस्टॉलमेंट्स के बाद आप चीज़ को मार्केट में लेकर आ जाएं, रीसेल पर आ जाएं। मैं ज़्यादा तौर पर रिकमेंड नहीं करता हूँ रीसेल पर आप कोई चीज़ खरीदने के लिए आप इस फर्ज से जाएं, क्योंकि एंड यूज़र जब तक मार्केट में नहीं आएगा, जब तक मार्केट की कीमतें मैच्योर नहीं होंगी, तो जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो भी प्री लॉन्चिंग पर चीज़ें खरीद सकते हैं, जिनका प्लान है कि हम आइंदा आने वाले 4 सालों में 3 सालों में बहरिया में कारोबार करेंगे। ये लॉन्ग टर्म की तरफ जा रहा हूँ मैं, आइंदा आने वाले 4-5 सालों में बहरिया में कारोबार करेंगे जब अच्छी आबादी हो जाएगी, तो वो प्री लॉन्च पर कोई चीज़ उठा सकते हैं। उस बिल्डर की उठाएं जो कि आपको चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ, जिसने पहले, अबुल कासिम की बात करता हूँ, आज से पहले तकरीबन अब बहरिया टाउन कराची में उसके 7 प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑन वर्किंग है, जहाँ पर काम चल रहा है और वो चीज़ों को डिलीवर कर रहा है। इस तरीके से बहुत सारे बिल्डर्स हैं, डोमिनियन है, अली सक्लायन है, बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो कि चीज़ें डिलीवर कर रहे होते हैं। तो आप किसी अच्छे बिल्डर के पास जाएँ, और बिल्कुल एंड यूज़र जो है जिसको अपना कारोबार करना है वो अच्छे बिल्डर के पास जाए, उसको प्री लॉन्च पर बुक कराए और ज़्यादा रिस्क लेके बुक कराए, ताकि जब वो चीज़ डिलीवर हो तो उसने जो है 25-30 लाख की शॉप उठाई हुई थी प्री लॉन्चिंग पर, उसको और उसकी भी तकरीबन 20% जो है वो उसने रकम अदा की होगी, यानी कि तकरीबन 7-8 लाख रुपए, और जब वो चीज़ डिलीवर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो 25-30 लाख की नहीं रहेगी, उसकी कीमतें ही बढ़ जाएंगी। तो आपकी एक तो आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो गई है, उसके साथ साथ आप अपना कारोबार कर सकते हैं। तो जो आपने 25-30 लाख रुपए आज से आइंदा आने वाले 3 साल के लिए लगाए थे, तो अब वो बढ़कर शायद 40-50 लाख रुपए हो चुके हों, और उससे ज़्यादा फिर वो आपको अब कारोबार करने के लिए तैयार हो गया है, वो आपको रेंटल इनकम देने के लिए तैयार हो गया। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ बहरिया टाउन कराची में बहुत अच्छे मौके। बहरिया टाउन मेन गेट से तकरीबन 2 से 2 किलोमीटर के फासले पर हार्डली जो है हमारे पास इम्तियाज़ सुपर मार्केट है। इम्तियाज़ सुपर मार्केट के बिल्कुल सामने एक ही सुपर मार्केट है, उसके बिल्कुल बराबर में अबुल कासिम बाज़ार है। जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं वो अबुल कासिम बाज़ार में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल काम आज सितंबर से शुरू हुआ है। और जो थोड़ा चाहते हैं कि हम चीज़ देखेंगे फिर चीज़ पर इन्वेस्ट करेंगे, वो कहते हैं ना लोग कि जब तक कुछ दिख नहीं रहा है तो फिर क्यों इन्वेस्ट कर लिया जाए। तो अबुल कासिम सुपर मार्केट के ऊपर आप देख सकते हैं अपर ग्राउंड तक तैयार कर चुके हैं, बेसमेंट, लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, अपर ग्राउंड तैयार कर रहे हैं आप, बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिल्कुल, मेरा तो मशवरा है कि अगर आप किसी भी हवाले से कुछ जानना हो तो ज़रूर लोग हमसे रब्ता भी कर सकते हैं इस हवाले से। अच्छा रामिस, ये हमें समझ आ गई लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन अब कारोबार के हवाले से जो लोग कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उनमें कारोबार शुरू करने में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो वो हमारे व्यूअर्स को बताएँ आप। देखें फिज़ा, बहुत सारी बातें हैं हमें कारोबार के लिए। अगर मैं कोई अपनी ज़ाती शॉप कहीं कराची में रखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि मेरा फ़ुटफॉल कैसा है, वहाँ पर लोगों का आना जाना, लोगों का रुझान कैसा है, लोग आसानी से मेरी दुकान तक आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो ये वाले मैटर्स हैं कि जिन्होंने आपको बहरिया में भी देखना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पिछली अपनी बात में बताया था कि इम्तियाज़ सुपर मार्केट है, इम्तियाज़ सुपर, ये बड़े ब्रांड्स हैं ना, ये बड़े ब्रांड्स ऐसी ही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर फुटफॉल अच्छा हो, उसकी प्रॉपर फोरकास्टिंग करते हैं, प्रॉपर बजटिंग करते हैं, प्रॉपर वो पहले से सोचते हैं इन चीज़ों को। तो इम्तियाज़ की सूरत में मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, इम्तियाज़ प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट्स के बिल्कुल
अपोजिट है और वहाँ पर एक बाल विलास कायद विलास भी हैं। फिर आपको थोड़े से अंदर चले जाते हैं मिडवे कमर्शियल का प्रॉपर एरिया, अच्छे खासे लोगों का आना जाना है वहाँ पर। सही है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर लोगों की एक्सेसिबिलिटी आसान हो, एक ऐसा एरिया जहाँ पर लोग आसानी से पहुँच सकते हैं और आसानी से अपनी चीज़ लेकर निकल सकते हो। बहरिया टाउन मेन गेट से करीब है, कोई भी बहरिया के बाहर, अगर बहरिया के बाहर से भी कोई आ रहा है तो वो इम्तियाज़ जाने में उसको बहुत आसानी है। बहुत सारे मेरे करीबी दोस्त हैं मेमन गोड वगैरह, इन इलाकों में रहते हैं, बहरिया से बाहर रहते हैं, वो शॉपिंग करने के लिए इम्तियाज़ जाते हैं, वो शॉपिंग करने के लिए बहरिया जाते हैं। इन कमिंग फ्यूचर जब वहाँ इम्तियाज़ की जगह और भी बहुत सारी हमारे पास शॉपिंग की फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी तो लोग वहाँ पर भी आएंगे। लाइज में सी बात है, वहाँ पर फुटफॉल अच्छा है, बेसिकली वहाँ पर चीज़ों को आपकी एक्सेसिबिलिटी आसान है। फिर एक और बात, अगर किसी प्रोजेक्ट की तरफ बहुत ज़्यादा मैं डीपली चले जाऊँ, या आपने चले प्रोजेक्ट तो सेलेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट में भी अगर आप कोई दुकान सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो दुकान कोशिश करें एलिवेटर के पास हो, लिफ्ट के पास हो, गेट के पास हो, उसका एक्सेस आसान हो, ताकि आप कारोबार करने में आपको कारोबार को जो है वो अच्छी उसमें बरकत हो। तो एक ये पॉइंट है जो हम कि हमें हम हर दुनिया भर के कारोबार जो वाले जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं वो इस पॉइंट को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामज़ आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमारे रियल स्टेट एक्सपर्ट से रब्ता कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी की मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड टू रेड बॉक्स।